हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग को क्या है फ्लांज का वेट कैसे निकाला जाता है उसको सीखेंगे। फ्लांज का वेट निकालने के लिए आजकल बहुत कुछ तो निकल लेते हैं वेट है, लेकिन फ्लांज का वेट थोड़ा क्रिटिकल है, वो ये बात सबको पता नहीं है। तो ये बात आज हम लोग को सीखेंगे। आपको पता है कोई भी आइटम का अगर आप निकलते हैं वेट निकलते हैं उसके लिए पहले क्या चाहिए, उसका एरिया चाहिए, एरिया। तो आज पहले हम लोगों को क्या है फ्लांज का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या है, पहले फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। अगर कोई भी सर्कल, ये कोई भी सर्कल का आप अगर एरिया निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर। सर्कल का हो गया पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या है, हम लोग का अगर पूरा इसका निकालना है फ्लांज का, इसका 20 से ये माइनस हो जा रहा है तो उसको कैसे निकालेंगे। ये तो हो गया पूरा सर्कल का एरिया निकल गया पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे वही सिस्टम आएगा। इसका क्या हो जाएगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो इसको अगर कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पाई पहले हम लोग का क्या है पाई लेंगे, कितना आ जाएगा पाई 1500, 1500 स्क्वायर माइनस 1200 स्क्वायर। ये इसका क्या है, ये अंदर वाला जो है उसका एरिया निकल जाएगा। इसको क्या है कैलकुलेशन करते हैं, शिफ्ट पाई इनटू, इसमें इनटू देना पड़ेगा ब्रैकेट स्टार्ट और आउटसाइड रेडियस हो गया 1500 स्क्वायर माइनस 1.2 स्क्वायर। यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 2.544। इसका आंसर आ रहा है 2.544। अरे इसको अगर हम लोग को 10 का थिकनेस का, हम लोग को मान लीजिए 10 का थिकनेस प्लेट है तो इसको क्या है मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू इतना आ गया। और आपको पता है प्लेट का जो यूनिट वेट है 7.85, इसको इंटू 7.85 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, मतलब 199 kg, मतलब ये फ्लांज का वेट 199 kg। क्या आपको ये वर्ड निकालना पता था? अगर पता था तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए, फिर बाद में ज्ञान का बात होते रहेगा। अगर नहीं पता था तो भी सब सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू।